हेलो स्टूडेंट, मैं आजाद अंसारी polytechhub.com में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हम कैसे सब्जेक्ट को पता लगाते हैं, सेंटेंस में मेरे सब्जेक्ट कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, ये हम जान चुके हैं। आइए इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कौन होंगे और उसको कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, किस मैनर में लिखेंगे, ये कितने तरह के होते हैं, इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। तो इस तीनों को छोड़कर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को छोड़कर सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं, जो अदर वर्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो एक्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑल द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको किसको, सब्जेक्ट वर्ब और एंड ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो अदर वर्ड सेंटेंस में मेरे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो चार तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट फोर टाइप्स के होते हैं, मैनर कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट एंड रीजन कॉम्प्लीमेंट। मैनर कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट एंड रीजन कॉम्प्लीमेंट। तो सबको बारी बारी से समझते हैं और सबको फिर डीपली समझेंगे कैसे इसको यूज करेंगे। तो मैनर कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, हम सेंटेंस में कोई वर्ब होगा यानी कोई एक्शन हो रहा होगा, सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होगा यानी कोई एक्शन हो रहा होगा मेरा, वह एक्शन कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, मैनर मतलब ढंग, किस मैनर में हो रहा है, वो बताएगा मेरा मैनर कॉम्प्लीमेंट। यानी मैनर कॉम्प्लीमेंट हमको क्या बताएगा कि जो मेरा एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वह कैसे हो रहा है, उसका क्या मैनर है। तो मैनर कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, हमारे एक्शन के मैनर को बताएगा, किस ढंग से हो रहा है मेरा एक्शन हो रहा है। उसके बाद प्लेस कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। तो प्लेस कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, प्लेस कॉम्प्लीमेंट बताएगा जो मेरा एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, जो मेरा एक्शन हो रहा है वह कहां पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। यानी ये क्या बताएगा, एक्शन के प्लेस को बताएगा कि ये जो एक्शन हो रहा है किस जगह पे हो रहा है। ओके, थर्ड है टाइम कॉम्प्लीमेंट। तो टाइम कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा कि जो मेरा एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वह कब हो रहा है, किस समय हो रहा है। ये एक्शन के मेरे टाइम को बताएगा, एक्शन के टाइम को बताएगा कि मैनर कॉम्प्लीमेंट, सॉरी टाइम कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, एक्शन के टाइम को बताएगा। और मचा कौन, रीजन कॉम्प्लीमेंट। तो रीजन कॉम्प्लीमेंट बताएगा एक्शन के कॉज को बताएगा, एक्शन किस कारण से एक्शन हो रहा है उसको बताएगा, एक्शन क्यों हो रहा है उसको बताएगा। मैं यहां बात कर चुके जो चार तरह के जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बताएंगे, एक्शन के बारे में बताएंगे। मैनर कॉम्प्लीमेंट बताएगा एक्शन के बारे में, ये जो मेरा एक्शन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है यानी एक्शन के मैनर को बताएगा। प्लेस कॉम्प्लीमेंट बताएगा एक्शन के प्लेस को बताएगा, जो मेरा एक्शन हो रहा है वह कहां पे हो रहा है उसके जगह को बताएगा। टाइम कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, एक्शन के टाइम को बताएगा कि जो मेरा एक्शन हो रहा है किस समय हो रहा है। और रीजन कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, एक्शन के कॉज को बताएगा कि एक्शन जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है। तो चारों के बारे में हम शॉर्ट जान चुके, अब इसको जानेंगे और यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो ये चारों जो कॉम्प्लीमेंट है, मैनर एमसी से डिनोट कर रहे हैं, प्लेस कॉम्प्लीमेंट पीसी, टाइम कॉम्प्लीमेंट पीसी और रीजन कॉम्प्लीमेंट आरसी। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आ जाती है, यानी चारों किसी सेंटेंस में आ सकता है या दो तीन ऐसे आ सकता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, किसको किसके बाद लिखेंगे, उसको कैसे जानेंगे। तो हम सिंपली जो इस वे में लिखे हैं, मैनर प्लेस टाइम ओरिजन,
इसी वे में हमको लिखना है, यानी पहले लिखना है मैनर, इसके लिए हमको याद करना है MPTR, ऐसे याद रखना है। अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसको हम इस वे में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, मैनर कॉम्प्लीमेंट एम को लिखेंगे, उसके बाद प्लेस कॉम्प्लीमेंट पी को लिखेंगे, उसके बाद टाइम कॉम्प्लीमेंट टाइम वाले कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, उसके बाद रीजन कॉम्प्लीमेंट रीजन को लिखेंगे। यानी जब ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं एक साथ, चारों कॉम्प्लीमेंट या दो कॉम्प्लीमेंट या तीन कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, उसको हमको कैसे लिखना है, MPTR, इसी वे में हमको याद रखनी है। ओके, तो चलिए हम मैनर की बात करते हैं, मैनर कॉम्प्लीमेंट। तो मैनर कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा हमको, एक्शन के मैनर को बताएगा, इट शोज द मैनर ऑफ एन एक्शन, एक्शन के मैनर को बताएगा। मैनर मतलब ढंग, जो एक्शन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है उसको बताएगा, एक्शन किस तरह से हो रहा है उसको बताएगा। इसको कैसे पता लगाएंगे, हाउ, बाहर से क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ कैसे, कि जो काम हो रहा है कैसे हो रहा है। हमको जो भी क्वेश्चन करना है क्या बोले थे कल, वर्ब से करना है, वर्ब से ही पूछना है, और उसका जवाब जो मिलेगा वो मेरा उसका आंसर देता था। हमको मैनर कॉम्प्लीमेंट चाहिए, चाहिए ना, तो मैनर कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ करेंगे, किससे करेंगे, वर्ब से करेंगे, तो उसका आंसर होगा हमको क्या देगा, मैनर कॉम्प्लीमेंट देगा, MC देगा। तो मैं हाउ क्वेश्चन करेंगे, किससे करेंगे, वर्ब से करेंगे, उसका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, मैनर कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए अगर एडजेक्टिव के अंत में LY जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव के अंत में LY लगा देते हैं तो मैनर कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मैनर कॉम्प्लीमेंट बनता है। अगर एडजेक्टिव किसी भी एडजेक्टिव के अंत में LY लगा दे तो मैनर कॉम्प्लीमेंट बनता है। इसे गुड, गुड में LY लगा दे तो गुडली, गुड मतलब अच्छा, गुडली मतलब अच्छे तरीके से, स्लो, स्लो मतलब क्या, धीरा, धीमा, और स्लो में LY लगा दिए तो स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, उस वर्ग के एक्शन के ढंग को बता रहा है ना। तो एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो हमको मैनर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। मैनर कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, काम के ढंग को बताएगा, कि हमारा एक्शन जो हो रहा है कैसे हो रहा है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ क्वेश्चन करेंगे, भारत से हाउ कैसे हो रहा है, वो एक्शन कैसे हो रहा है, उसका जो आंसर मिलेगा मैनर कॉम्प्लीमेंट होगा। मैनर कॉम्प्लीमेंट हमको उसका वर्ड मीनिंग कैसे लिखेंगे, उसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, तो उसका जो एडजेक्टिव होगा उसमें LY लगा देंगे। ओके, अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे एक सेंटेंस दी है, इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे वर्ब क्या होगा, वर्ब हम क्या बताए थे, हिंदी सेंटेंस अंतिम से मिलता है, वह अपना काम धीरे धीरे कर रहा है, कर रहा है, ये क्या है, करना क्या है, यहाँ पे भार, करना क्या है, ये भार है मेरा, ये क्या हो गया भार। सब्जेक्ट उठिए, कौन कर रहा है, वह कर रहा है, वह कर रहा है, क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, वो पूछे मिला सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट उठेंगे हम, दो ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, सिर्फ तो मिलेगा नहीं इसमें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे तो क्या पूछेंगे, किसे, किसे कर रहा है, तो कोई पर्सन मिल रहा है इसमें, कोई पर्सन है नहीं है, तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बाद से पूछे कर रहा है तो क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DU, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DU। सब्जेक्ट पहचान लिए, ऑब्जेक्ट पहचान लिए, वर्ब पहचान लिए, अब हम क्या पहचानेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में ये कॉम्प्लीमेंट सीखे हैं क्या, मैनर कॉम्प्लीमेंट, मैनर मतलब हाउ, काम जो हो रहा है कैसे हो रहा है, तो ये जो काम हो रहा है कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे, उस काम के तरीके को बता रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो धीरे धीरे मेरा क्या है, मैनर कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो गया मेरा MC। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ही इज डूइंग
कर रहा है भाग हो गया। अब यहाँ पे अपना का स्पेलिंग हम क्या देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसका पॉसेसिव केस देते हैं, सब्जेक्ट होता है उसका पॉसेसिव केस देते हैं। तो ही का पॉसेसिव केस इज वर्क स्लोली, इज वर्क स्लोली। ओके चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इस कमरा को सुंदर ढंग से सजाया गया है, इस कमरा को सुंदर ढंग से सजाया गया है, वर्क कौन सा काम किया गया, सजाने का काम किया गया है, तो ये मेरा क्या हो गया वर्क, ये मेरा वर्क। सब्जेक्ट ढूंढिए, सजाने का काम कौन किया है, सेंटेंस में कौन किया है सजाने का काम, पूछिए इस कमरा को सजाया गया है, कोई आंसर इसमें आपको मिल रहे हैं, सजाने का काम कौन किया है, दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये नहीं ना कहेंगे कि जो पहले आया वो सब्जेक्ट है, नहीं, अगर सजाने का काम जो काम हो रहा है उसको करने वाला ही नहीं है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, किसे कर रहा है, कोई पर्सन आंसर आ रहा है, किसे सजा रहा है, कोई पर्सन आंसर आ रहा है, इसमें पर्सन नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्या सजा रहा है, इस कमरा को सजा रहा है, इस कमरा क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैनर कंप्लीमेंट, तो मैनर कंप्लीमेंट कैसे सजा रहा है, बहुत सुंदर तरीके से सजा रहा है, सुंदर तरीके से सजा रहा है, तो सुंदर ढंग से जो मेरा क्या हो गया, ये हो गया मैनर कंप्लीमेंट। चलिए इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस रूम हैज बीन डेकोरेटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो सुंदर ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल को हमको क्या करना है, मैनर कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटीफुली, ब्यूटी। ओके अगला एग्जांपल देखिए, वह तुम्हें बुरी ढंग से पीटा, क्या किया, पीटा, तो पीटा क्या हो गया, ये बर्ब हो गया, बर्ब हो गया, सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन पीटा, वह पीटा, तो वह पीटा ये क्या हो गया, वह क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वह यहाँ पे जो काम किया वो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ढूंढिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे पीटा, कोई पर्सन है, तुम्हें पीटा, तुम्हें पीटा, तो तुम्हें क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पीटा, कुछ आंसर इसमें है, क्या पीटा, नहीं, कोई वस्तु है, नहीं, कैसे पीटा, मैनर कंप्लीमेंट, कैसे पीटा, सभी क्वेश्चन जो करने हैं हमको वर्ब से ही करने हैं, तो पीटने का काम हो रहा है तो वर्ब से ही पूछेंगे कैसे पीटा, तो कैसे पीटा, बुरी ढंग से पीटा, तो ये कैसे हमको क्या देता है, मैनर कंप्लीमेंट देता है, तो ये बुरी ढंग से क्या हो गया, मैनर कंप्लीमेंट हो गया, एमसी हो गया। चलिए इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, He has beaten, अब हम क्या बताए, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादातर लिखते हैं, तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यू, और इसमें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, He has beaten you, अब उसके बाद बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट लिख लिए, वर्ब लिख लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद क्या देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा, मैनर कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ एक है, तो पहले मैनर कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, तो एक ही है तो उसको जो होगा उसको लिख देंगे, तो मैनर कॉम्प्लीमेंट क्या, बुरी तरीके से, बुरी, बुरा का क्या होता है, बैड होता है, तो उससे हमको मैनर कॉम्प्लीमेंट बनाना है, क्या करेंगे, एल वाई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बैडली, बैड हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, यह काम ईमानदारी से होना चाहिए, यह काम ईमानदारी से होना चाहिए, कौन सा एक्शन हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, यह काम ईमानदारी से होना चाहिए, एक्शन यहां पे क्या है,
होना चाहिए क्या है, होना चाहिए क्या बाहर भाई, इसके लिए सूट इस्तेमाल करें। तो इस काम को करने वाला कौन है, इसमें है आदमी नहीं ना, यह काम ईमानदारी से होना चाहिए, कोई बोल होना चाहिए, उस काम को करने वाला इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो सब्जेक्ट नहीं है। अब किसे होना चाहिए, कोई आंसर मिल रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यह काम, तो यह काम क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन नहीं है तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हमको एक ऑब्जेक्ट मिला, ये वर्ब मिला, ये वर्ब मिला, ये ऑब्जेक्ट मिला। अब देखिए कैसे होना चाहिए, मैनर कंप्लीमेंट कैसे होना चाहिए, तो ईमानदारी पूर्वक, ये ईमानदारी पूर्वक क्या हो गया मेरा, मैनर कंप्लीमेंट, मैनर कंप्लीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैनर कंप्लीमेंट है। तो चलिए यहां इसको बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट से बनाइए, पैसे में मेरा सेंटेंस बनेगा, तो दिस वर्क, ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, शुड बी डन, अब ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्ट हो गया ईमानदारी का, ईमानदार का। अब इसका मैनर कंप्लीमेंट बनाना है तो क्या करेंगे, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, दिस वर्क शुड बी डन ऑनेस्टली, ओके। अब यहां पर हम लोग मैनर कंप्लीमेंट देख लिए, प्लेस कंप्लीमेंट देखते हैं, तो प्लेस कंप्लीमेंट क्या होगा, बता चुके हैं कि प्लेस कंप्लीमेंट क्या बताएगा, मेरे एक्शन जो हो रहा है उसके प्लेस को बता रहा है, कि जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वह कहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, इट शोज द प्लेस प्लेस ऑफ एन एक्शन, प्लेस ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के क्या प्लेस को बताएगा, कि जो एक्शन हो रहा है कहां पे हो रहा है, कि जो मेरा सेंटेंस में एक्शन हो रहा है जिसको हम भार बोल रहे हैं वो कहां पे हो रहा है, तो कहां पे हो रहा है वो हमको कैसे पता चलेगा, इसको फाइंड आउट करना है तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, कहां किसे करेंगे, वर्ड से, कहां किसे करेंगे, वर्ड से, जो भी क्वेश्चन करने हैं किसे करेंगे, वर्ड से, वर्ड से पूछेंगे कहां, वेयर, कि जो एक्शन हो रहा है कहां पे हो रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, प्लेस कंप्लीमेंट मिलेगा, तो प्लेस कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, कहां, वेयर क्वेश्चन करेंगे, किससे करेंगे, जो भी क्वेश्चन करने हैं हमको वर्ब से करेंगे, जो भी क्वेश्चन करने हैं वर्ब से करेंगे, तो वर्ब से पूछेंगे वेयर, हमको क्या मिलेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा सेंटेंस में वो क्या होगा, पीसी होगा, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए प्लेस कॉम्प्लीमेंट में हमको क्या क्या हो सकते हैं, तो प्लेस कॉम्प्लीमेंट यानी पीसी जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो एडवर्ब हो सकता है, प्लेस कंप्लीमेंट में एक तो एडवर्ब हो सकता है, दूसरा चीज कोई नाउन या कोई प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडवर्ब होगा या नाउन या प्रोनाउन होगा, अगर एडवर्ब होगा उसको लिखते समय उसके पहले हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नाउन या प्रोनाउन अगर होगा तो उसके पहले नाउन या प्रोनाउन को लिखने से पहले सेंटेंस में उसके पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, जो उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन उपयुक्त होने वाला होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। तो प्लेस कंप्लीमेंट क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जब एडवर्ब होगा तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, और जब नाउन या प्रोनाउन होगा उसके पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन लिखेंगे। तो चलिए इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं, तो यहां पे देखिए सेंटेंस है वह अंदर आई, क्या काम हुआ, आने का काम हुआ, तो ये क्या हो गया, वर, कौन, सब्जेक्ट मिलेगा, कौन की आने का काम, वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, किसे आने का काम किया, किसे आया, कोई पर्सन है आंसर में, नहीं तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, क्या आया, कोई वस्तु है, इसका आंसर मिल रहा है, नहीं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं है। अब मैनर कंप्लीमेंट कैसे आया, आने का ढंग बता रहा है, भाग से पूछे कैसे आया, तो क्या हमको आंसर मिल रहा है इसमें, नहीं। अब एम के बाद हम क्या ढूंढते हैं,
पी प्लेस कॉम्प्लीमेंट। तो प्लेस हमको कैसे मिलता है, कहां पूछते हैं क्वेश्चन से, कहां आया, तो क्या यहां पे अंदर आया, तो ये क्या अंदर का क्या इन, ये क्या है एडवर्ब है, तो एडवर्ब लिखते समय हम क्या करेंगे प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो गया प्लेस कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया प्लेस कॉम्प्लीमेंट। तो बनाइए ही सब्जेक्ट केम अंदर का इन, यहां पे प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये जो प्लेस कॉम्प्लीमेंट है एडवर्ब है, एडवर्ब है, अगर नाउन या प्रोनाउन होता तो हम क्या लिखते, कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया जाना, यहां से घर, कौन जा रहा है मैं, तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, अब देख बुढ़िए किसे जा रहा है, कोई आंसर मिल रहा है इसमें नहीं है, क्या जा रहा है कोई आंसर मिल रहा है नहीं है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है, न तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और न ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ढूंढिए माइनर कॉम्प्लीमेंट एम, कैसे जा रहा है, कोई आंसर है इसमें, जाने का तरीका है नहीं, कहां जा रहा है अपने घर जा रहा है, घर जा रहा है, तो यहां पे घर जो है क्या है, क्या है प्लेस कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसके लिए अगर होम लिखेंगे तो क्या होगा एडवर्ब हो जाएगा, उसके पहले हम क्या करेंगे प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, अगर हाउस लिखते हैं तो क्या नाउन होगा और उसके पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आई एम गोइंग, अगर होम लिखते हैं तो एडवर्ब कंसीडर करेंगे तो यहां पे प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, आई एम गोइंग। ओके अगला एग्जांपल देखिए, रमेश कल मेरे पास आया, रमेश कल मेरे पास आया, कौन सा काम हुआ आने का काम हुआ, तो ये क्या हो गया वर, आने का काम कौन किया रमेश किया, तो रमेश क्या हो गया सब्जेक्ट, किसे आया कोई आंसर है कोई पर्सन है नहीं, कोई पर्सन पे काम हो रहा है नहीं, तो क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या आया कुछ आंसर मिल रहा है इसमें नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तब हम कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं माइनर कॉम्प्लीमेंट, कैसे आया आने का ढंग है आने का तरीका इसमें है नहीं है, तो माइनर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आप प्लेस कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं, कहां आया, कहां आया, तो कहा मेरे पास आया, मेरे पास आया, तो मेरे पास क्या हो गया ये प्लेस कॉम्प्लीमेंट, कल आया ये क्या हो जाएगा टाइम कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या बताएगा टाइम को बताएगा, इसको आगे हम लोग बताएंगे, तो इसको बनाते हैं रमेश केम क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हमको क्या लिखना है कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट में पहले माइनर कॉम्प्लीमेंट, माइनर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके बाद प्लेस कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट है, क्या मेरे पास, तो ये क्या है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जब लिखेंगे तो क्या करेंगे प्रीपोजिशन देंगे, तो यहां पे प्रीपोजिशन के लिए क्या करेंगे टू देंगे, टू मी, अब उसके बाद एम पी टी टाइम कॉम्प्लीमेंट, तो टाइम कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या है कल, तो क्या हो जाएगा यस्टरडे। अगला एग्जांपल देखिए, उसे पटना से बुलाया गया, उसे पटना से बुलाया गया, कौन सा काम हुआ बुलाने का, तो ये क्या हो गया वर, कौन बुलाया, बुलाने का काम कौन किया इस सेंटेंस में है उसे पटना, इसे तो बुलाया गया, बुलाने का काम कौन किया वो तो मालूम नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, किसे बुलाया गया, तो ये क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, उसे बुलाया गया आंसर मिला उसे, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बुलाया गया कुछ मिल रहा है इसमें नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट में जाते, माइनर कॉम्प्लीमेंट, कैसे बुलाया गया, बुलाने का तरीका मालूम है नहीं, तो माइनर कॉम्प्लीमेंट नहीं,
उसके बाद एम के बाद पी प्लेस, कहां बुलाया गया? पटना बुलाया गया। तो ये क्या हो गया? प्लेस कॉम्प्लीमेंट। और कुछ है? नहीं। तो ये पटना क्या है? जगह का नाम है यानी नाउन है। तो नाउन जब लिखेंगे तो क्या हम करेंगे? उसके पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे। तो क्या बनाएंगे इसे? यहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे। तो क्या होगा? उसे का ही वाज कॉल्ड, कहा पटना है जगह टू पटना, सॉरी यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, से है तो यहाँ पे पुरुषार्थ में क्या हो जाएगा? फ्रॉम पटना। ही वाज कॉल्ड फ्रॉम पटना, उसे पटना से बुलाया गया। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कौन सा काम की जाती है? पढ़ाने का काम की जाती है, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? वर। ये क्या हो गया? वर। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में पूछिए। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई आ रही है, पढ़ाई जाती है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस से मालूम नहीं चल रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, किसे पढ़ाया जा रही है? जिसको पढ़ाया जा रहा है इसमें है, मिल रहा है आंसर? नहीं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। क्या पढ़ाई जा रही है? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं, माइनर कॉम्प्लीमेंट, कैसे पढ़ाई जा रही है? नहीं मालूम चला इस सेंटेंस से, कहां पढ़ाई जा रही है? यहां पढ़ाई जाती है। तो ये क्या हो गया? प्लेस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश इज टॉट, अब क्या बचा? क्या कॉम्प्लीमेंट? तो यहाँ पे हियर इंग्लिश इज टॉट, हियर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। तो प्लेस कॉम्प्लीमेंट में अगर एडवर्ब आता है तो उसके पर हम क्या प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखे। मैं आज घर जा रहा हूं, मैं आज घर जा रहा हूं, जहां क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? वर्ब। कौन कर रहा है? मैं। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसे कर रहा है? कोई पर्सन नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या जा रहा है? इससे कुछ आंसर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कैसे जा रहा है? इससे कुछ आंसर मिल रहा है नहीं, तो मैनर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। कहां जा रहा है? घर जा रहा है। तो ये क्या हो गया? प्लेस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद एक और है आज, तो टी टाइम कॉम्प्लीमेंट, कब जा रहा है? ये आज। तो ये क्या हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसको आगे हम लोग देखेंगे भी। तो इसको बनाइए, आई एम गोइंग होम लिखेंगे एडवर्ब होगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद मैनर कॉम्प्लीमेंट, मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो उसके बाद प्लेस लिखते हैं। प्लेस क्या? होम, एडवर्ब है इसलिए प्रीपोजिशन नहीं लिखे। अब उसके बाद एम पी, उसके बाद टी टाइम कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आज टूडे। मेरा भाई पटना में पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? वर। ये क्या हो गया? वर। कौन पढ़ता है? मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसे पढ़ता है? कुछ नहीं, पर्सन आंसर मिल रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या पढ़ता है? कोई मालूम, कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट, मैनर कॉम्प्लीमेंट, कैसे पढ़ता है वो भी नहीं है। टाइम, कहां पढ़ता है? पटना में। तो ये क्या हो गया? पटना। प्लेस कॉम्प्लीमेंट। और कुछ बचा नहीं, तो इसको बनाइए, मेरा भाई माय ब्रदर रीड्स
उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, प्लेस कॉम्प्लीमेंट पटना, क्या है नाउन है, इसके पहले क्या प्रीपोजिशन लिखेंगे, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यहां पे आ रहा है, इन, क्या हो जाएगा पटना। तो इस लेक्चर में हम लोग देखें कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को कितने तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानते हैं, इसमें दो कॉम्प्लीमेंट हम लोग बात कर चुके, मैनर कॉम्प्लीमेंट और प्लेस कॉम्प्लीमेंट। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे टाइम कॉम्प्लीमेंट और रीजन कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट बार ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर को अटेंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो के लिए थैंक यू, और अगर आपने आपको इसमें कहीं समझने में दिक्कत हुआ हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद, बाय बाय।